भगवान ने नारद जी को कहा कि वसुदेव जी को कुछ ठीक समझा दीजिए, इनका मोह जाता नहीं है। तो निमि जनक और नौ योगेश्वरों की कथा फिर हो गई। वहां एक ही भागवत धर्म के विषय में बताया गया कि भैया इस मन से, बुद्धि से, चित्त से, हाथों से, इंद्रियों से जो भी दिन भर कर्म करते हो, देखो एक लाइन में अगर एक चीज मैं तुमको बता दूं और उसको गांठ बांध लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बस पूरे भागवत का निचोड़ हो जाएगा। इस दुनिया में, परिवार में, घर में, संसार में, धन में, नौकरी में, गाड़ी में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहना बुरी बात नहीं है। बस केवल एक चीज याद करके रहना है कि जिस संसार में, परिवार में तुम रहते हो वो तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो श्री कृष्ण का संसार भी है और श्री कृष्ण का परिवार भी है। बस सिर्फ इतना याद करके रख लो, तुम्हारे बंधन कट जाएंगे। बंधन सिर्फ इतना है, तुमने अपना मान रखा है। यू आर नॉट मालिक, नॉट प्रोपराइटर, यू आर ओनली केयर टेकर, जस्ट लाइक अ मैनेजर। केवल इतना ही ज्ञान है पूरे शास्त्रों का। जो इसे अपना माने बैठे हैं वो रो रहे हैं, वो फंस रहे हैं, उनको परेशानी है, उनको दुख है, उनको छोड़ के जाने में हाय हाय है। पर जिन्होंने ये मान रखा है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। इस दुनिया में मन से, बुद्धि से, चित्त से, हाथों से, पैसे से जो भी काम करते हैं, बस वो काम करके, चाहे वो काम पुण्य हो, पाप हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के सौंप देना कि ये काम आज दिन भर हमसे हुआ है, पकड़ दो इसको, रख लो। हम नहीं करते अच्छे काम अपने लिए, और बुरा काम अब भगवान करा दिए तो हम क्या करें, डंडा मारूंगा उठा के, ठाकुर जी भी मारेंगे। पांच पैसा किसी को दान दे दें तो छाती फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, हमने दिया। अब कुछ गलती हो जाए तो, गुरु जी गए थे ना, ये दुनिया है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। गलती करने में इंसान और दान दे के महान। सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करो। प्रभु इस बुद्धि से जो कुछ भी होगा तुम्हारे लिए होगा। ये घर परिवार तुम्हारा है, ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आंगन में खेल रहे हैं, गोविंद तुम्हारा दिया हुआ है। मुझे तुमने जिम्मा दिया है, ड्यूटी दिया है, मैनेजर बनाया है, मैं इनको पालूंगा, पोसूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे संस्कार दूंगा। मोह रखना बुरी बात है, प्रेम करना बुरी बात नहीं है। प्रेम और मोह के पतले अंतर को जिस दिन भारत समझ जाएगा, मैं सच कहता हूं लोग चिल्लाते रह जाएंगे और भारत फिर से विश्वगुरु उसी दिन बन जाएगा। केवल प्रेम और मोह का अंतर समझ लो। हमें मोह में नहीं रहना, हमें प्रेम में रहना है, हमें प्रेम करना है। अब प्रेम पक्षपाती नहीं होता, अपना पराया नहीं। हाँ, तुमको जितना जिम्मा मिला है, तुमको पत्नी एक ही मिली है तो एक ही का ध्यान रखो, पड़ोसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पहले उसी का ठीक से ध्यान रख लो। अपनी मां का ध्यान रखने रहे बगल वाली आंटी जी है, कोई काम है क्या आंटी, आटा पिसवा के ले आऊं। अरे मां कह रही है मसाला पिसवा के ले आ नालायक, पहले तो घर का काम नहीं करेगा, आंटी जी के लिए परेशान है। भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसका रक्षण पोषण अच्छे से करो, उनको संस्कार दो, उनको विद्या दो, उनको राम कृष्ण गुरु में आस्था जगाओ। लाख बुरी बातें टीवी पर चल रही हो, लाख बुरी बातें संसार में बोली जा रही हो, अपनी संतानों को बिठा करके बताओ पढ़ाओ, नहीं नहीं ये सब पैसे का खेल है बेटे। अपनी आस्था सही जगह रखना, आस्थावान बनो, संस्कारवान बनो, तभी रक्षा संभव है। ने टीवी और मीडिया से चलने वाला यह समाज रातों रात फील गुड करा देता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फील गुड हो गया था, चारों तरफ फील गुड चल रही थी 2004 में, फील गुड हो गया, चली गई। यहां रातों रात सब बदलता है।
तुम अपनी आस्था मजबूत रखो, संस्कार मजबूत रखो। जब जब तुम्हारे बच्चे गोद में आए, उनको अच्छे से ऐसे ऐसे दुलारो, पुचकारो, कुछ अच्छी अच्छी बातें उनको करो। तूने सुना उस दिन गुरुजी ने मदालसा के विषय में क्या कहा? बेटा तुमने सुना ध्रुव के विषय में क्या बोला था? सुनते हैं बेटे, कभी कभी बेचे अच्छा लगेगा, दुखी नहीं रहोगे। जानो इसको, पागल हो गए हो तुम भी। नर्सरी से फरसरी, फरसरी से कॉन्वेंट, यहां से वहां, वहां से वहां पगलाए बैठे हैं। दिन रात वही होमवर्क कराए जा रहे हैं। होमवर्क कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, अपना नसीब खराब कर रहा है। अरे उस पढ़ाई को दो चार पांच घंटे दे दिए, संस्कार को भी तो समय दो। जिससे सारी बात बननी है उसको समय नहीं देते, धर्म को समय नहीं देते। जिससे वो बलवान बनेगा, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में राणा प्रताप को सुनते सुनते उसके भीतर ऐसा भाव जगेगा, अब भारत के लिए कुछ भी करेंगे, दुख आए तब भी सहे, शिवाजी की तरह बनेंगे। तो ये देते नहीं, हवा में निकलने नहीं देते, मिट्टी में नहीं खेलने देते, मोहल्ले में अब नहीं खेलने देते। वीडियो गेम दे के बिठाए हुए हो, टीवी का कीड़ा बन गया है, सांस ठीक से नहीं ले पाता, नजला जुकाम हुआ रहता है। अरे जो बच्चा मिट्टी में नहीं गिरेगा, जो हवा में नहीं दौड़ेगा, जो पानी में नहीं भीगेगा, वो क्या बतासा बना रहे हो बच्चों को? रोगी बना रहे हो, दुश्मन हो अपने बच्चों के। और उसको केयर बताते हैं, हम बड़ा केयर करते हैं। इतना सा बच्चा है, उसको ये पहना दिया, ये मुंह में लगा दिया, उधर खोस दिया। अरे जाने अनजाने में अपने ही बच्चों के हत्यारे हो तुम। अब इससे बुरा शब्द क्या इस व्यासपीठ से कह सकता हूं? उसके संस्कार की हत्या कर रहे हो, उसके इम्यूनिटी सिस्टम को मार रहे हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर दिया मां बन करके तुमने। नया नया धन देख लिया है, नई नए घर में शादी हो गई है, तो ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, ऐसे जॉनसन एंड जॉनसन लगाएंगे, चम्मच से खाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, 24 घंटे एसी में रहेगा, बना दो मरने वाला बच्चा। तुम्हारा बच्चा है कि दुश्मन है? वो दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। मजबूत बनाओ, दौड़ाओ, गिराओ, कटने दो, भूखे रहने दो, कभी 24 घंटे उसके पीछे ले लेके खालो खालो खालो, कुछ खाता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं, तुमको खा जाएगा किसी दिन। और खाई जाता है बड़ा हो करके। धुंधकारी ने अपनी मैया को खा लिया, कुआं में गिर के मर गई, कुछ खाता ही नहीं, थोड़ा भूख लगने दो। इस दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेद, इस दुनिया के सबसे बड़े ऋषि ने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दवाई क्या है? बोला भूख लगने पर पत्थर भी खाया जाए तो पचाने की क्षमता होती है, और बिना भूख के कुछ भी खिला दो रोग ही पैदा करे। तो भूख लगने दो, बच्चे को थोड़ा रोने दो भूख लगने पर, मम्मा बहुत भूख लगा है, 2 मिनट खेल कूद के जब भी आए 2 मिनट में लीड वाला शीशे वाला मैगी बनाए, बच्चे को आत्महत्या करवाए। मैगी, मैगी भी कोई खाने की चीज है? नूडल्स, बचपन में जोंक देखा था हम लोगों ने, बरसात में से निकलते थे, वही जोंक खिला रहे हो बच्चों को? वो जोंक नहीं निकलते बरसात में, ऐसे 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 करके चलते, ऐसे ऐसे, वही इनके नूडल्स। पता करो बनता कैसे, पैकेटिंग कैसे होती है, क्या एक कोमल बच्चे के अंतड़ियों में वो सामान जाना चाहिए? अरे डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, तुम में से कोई डॉक्टर भी होगा, तुम बताओ, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, दुनिया के लिए तो तुम बोल सकते हो। तुम बताओ जो डॉक्टर है, क्या वो उचित है फूड एक बच्चे के लिए? नहीं है, फिर भी तुम देखा देखी खिला रहे हो, फिर भी अपने बच्चों को पता नहीं क्या बना। मेरा तो क्या बताऊं मैं, भागवत को लगता है 7 दिन से खींच के 70 दिन का बना दूं। बिना 70 दिन बिना तुम लोग संभलोगे नहीं, 7 दिन में काम ही नहीं बनता, खींच दो 70 दिन का बना दूं महाराज।